Jessy. How are you? I hope all are safe. Students, from today we will start revision. आज से हम revision start करेंगे. आपके syllabus में half yearly तक 6 chapters आने हैं, लेकिन हमने 7 कर लिए, 8 भी कर लिया, है ना? तो आज हम first chapter से फिर से start. First chapter कौन सा है हमारा? God is always watching. Means भगवान हमेशा देख रहे हैं. ठीक है? जैसे हम इसमें क्या होता है कि कभी कोई गलती करते हैं ना, हमें ऐसा लगता है जैसे हमें कोई नहीं देख रहा. लेकिन असल में होता क्या है, हमें कोई ना कोई देख रहा होता है, हमें भगवान जी देख रहे हैं. ठीक है? तो इसीलिए हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो गलत हो. हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई नहीं देख रहा, हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, हमारे बहन भाई नहीं हैं हमें देखने के लिए, हमारा कोई फ्रेंड नहीं देख रहा, कोई और नहीं देख रहा. लेकिन कौन है जिसने सबको बनाया है ना, वो गॉड तो देख ही रहे. ठीक है? तो सो देयर इज अ प्रेयर, एक प्रेयर है आपकी, है ना, जो इसमें लिखा है कि आपने क्लास में बोली, लेकिन क्लास तो नहीं चल रही अब, तो आपने क्या करना है, ये प्रेयर लर्न करनी है और घर में रोज बोलनी. ठीक है? व्हाट इज अ प्रेयर? ओ गॉड वी लव थैंक यू फॉर गिविंग अस एवरीथिंग. भगवान जी हम क्या करते हैं, आपसे प्यार करते हैं और हम आपको थैंक यू कहते हैं सब कुछ देने के लिए, है ना. हेल्प अस टू स्टार्ट एवरी डे इन दाई डे, ब्लेस अस विद योर लव, हमारी हेल्प करो कि हम हर दिन तेरा नाम लेके शुरू करें, है ना, और हमें आपका प्यार. And guide us all through our life. Thank you. और हमें पूरा जीवन तक, पूरी जिंदगी तक, जब तक हम जिए तब तक आप हमें गाइड करो, हमारे मेंटर बनो, हमें रास्ता. आप ये प्रेयर डेली बोलो एंड थैंक यू बोल, और क्या करते हैं, भगवान जी का धन्यवाद करते हैं, थैंक यू बोलते हैं हम उनको. उन्होंने हमें पेरेंट्स दिए, उन्होंने हमें घर दिया, उन्होंने हमें बहन भाई दिए, फैमिली सब कुछ दिया, हमें अच्छा स्कूल दिया, टीचर्स दिए, सब कुछ उन्होंने दिया ना, तो सबके लिए थैंक यू बोलना है हमने, राइट स्टूडेंट्स. सो इस लेसन में क्या एक स्टोरी है रमन की. ठीक है? तो हम आज रमन की स्टोरी के बारे में सब रमन की स्टोरी पढ़ें. रमन वाज ए 4-year-old बॉय. रमन कितने साल का है? वो 4 साल का है. वन डे अलोंग विद हिज पेरेंट्स others went for a picnic to the riverside. एक दिन क्या हुआ, वो अपने पेरेंट्स और उनसे लोगों के साथ कहाँ गया, riverside, नदी के किनारे पे कहाँ गया, वो पिकनिक मनाने गया. Near the river there was a dense jungle full of wild animals. नदी के पास क्या था, एक जंगल था, बहुत घना जंगल, वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे. On the picnic spot, रमन्स मदर गॉट बिजी इन प्रिपेयरिंग फूड. रमन की मदर खाना बनाने में, खाना प्रिपेयर करने में बिजी हो गई. रमन ने हिज फादर वेंट आउट टू फेच वाटर एंड फायर, और उसके फादर कहाँ चले गए, पानी लाने चले गए, है ना, और लकड़ी ले गए, लेने गए जलाने के लिए, लकड़ी लेने गए, है ना. सम पीपल गॉट बिजी इन प्लेइंग, कुछ लोग खेलने में बिजी हो गए. सम वेंट टू द रिवर फॉर स्विमिंग, कुछ लोग रिवर में स्विमिंग करने चले गए. रमन वाज ए नॉटी बॉय, बहुत शरारती बच्चा था, है ना, डिसऑबिडिएंट था, वो किसी का कहना नहीं मानता था. ही डिसाइडेड टू गो टू द जंगल टू सी व्हाट हिज फादर वाज डूइंग. वो जंगल में अपने फादर को देखने चला गया कि वहाँ पर उसके पापा क्या कर रहे हैं, राइट स्टूडेंट. रमन मूव वार्ड्स द जंगल, वो जंगल की ओर चला गया. There he saw some beautiful butterflies. वहाँ पे क्या देखा उसने? बहुत सुंदर सुंदर butterflies थे. He went on chasing them. वो उनका पीछा करता रहा. Soon he reached the middle of the jungle. जल्दी वो जंगल के बीच में पहुँच गया. जंगल में रास्ता नहीं होता ना, सड़क नहीं होती. वो उसको पता ही नहीं चला वो कहाँ चला गया, है ना, वापस कैसे आएगा वो. He felt hungry and tired. बहुत भूख लगी उसको. वहाँ पे कोई मम्मा थोड़ा थी उसकी, उसके पापा भी नहीं थे, उसको खाना कौन खिलाता, इसलिए वो थक गया, उसको भूख भी लगी थी.
could not decide what to do now. वो decide ही नहीं कर सका कि वो करे क्या. So he started crying. इसलिए उसने रोना शुरू कर दिया. Since he was tired, he slept under a tree. वो tired था, वो थका हुआ था, तो वो एक पेड़ के नीचे सो गया. On the picnic spot, when Brahman's parents did not find him, तो picnic वाले spot पे जहाँ picnic था सब लोग रुके हुए थे, वहाँ जब उन्होंने उसको नहीं देखा तो क्या हुआ? They become worried. बहुत चिंता हुई. They started searching him everywhere, but could not locate him. हर जगह ढूंढा पर उन्हें मिला ही नहीं. It was dusk by then and they had to leave the spot. अब क्या हुआ? Rough notebook, maybe.